तो देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 6 क्वेश्चन में से। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मेंशन दैट यू ब्लिंक स्मोक इन द हॉस्पिटल एज इट इज अ हेल्थ हजार्ड फॉर ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हॉस्पिटल बोर्ड ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको यहाँ पे स्मोक नहीं करना है क्योंकि इससे हेल्थ हजार्ड हो सकता है। तो पहला जो है ऑप्शन ये दिया है इसमें कैन नॉट, तो कैन नॉट नहीं होगा। कैन नॉट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रिफ्यूजिंग परमिशन के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे कोई परमिशन तो था नहीं कि जिसको रिफ्यूज़ किया जा रहा है। सेकेंड जो है मस्ट नॉट, तो मस्ट नॉट का मतलब होता है प्रोहिबिशन। यहाँ पे स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है क्योंकि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कोई स्मोकिंग करेगा तो हेल्थ हजार्ड पैदा हो सकता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है नीड नॉट, तो नीड नॉट में जहाँ पे ज़रूरत कम होता है, ज़रूरत को ना बोलने के लिए यूज किया जाता है, आई नीड नॉट दिस, इस सेंस में। और डी जो है माइट नॉट, तो माइट नॉट का यूज होता है पॉसिबिलिटी सजेशन और कंडीशनल कंडीशन में, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि देयर इज नेवर ब्लैंक पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेज द कार, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए कि राहुल जब भी यूज़ करता है कार को तो उसमें पेट्रोल जो है ना नहीं बचता है, तो इसका ऑप्शन ए मच है, तो मच एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका आंसर मच होगा। मच क्यों होगा, क्योंकि एक अनकाउंटेबल है और पेट्रोल जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है। लिटिल जो होता है, तो लिटिल का होता है ऑलमोस्ट नथिंग या नॉट मच, कुछ भी चीज़ नहीं बचा हो उस कंडीशन में, तो पेट्रोल कुछ ना कुछ तो रहता है। अलिटिल जो है ना एकदम टाइनी अमाउंट को, एकदम स्मॉल अमाउंट को दिखाता है, और जो मेनी है, मेनी काउंटेबल नाउन में यूज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मच। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, तो 21 में है कि आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन्स नाउ, मैं अभी ड्राइविंग लेसन्स ले रहा हूँ। होपफुली आई ब्लैंक माई ड्राइविंग टेस्ट बाई नवंबर, कि मेरे को आशा है कि मैं ड्राइविंग टेस्ट में नवंबर में भाग ले चुका हूँगा, है ना। इसको पूरा भरोसा है कि भाग ले चुका होगा, मतलब ये जो है ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो ऑप्शन ए विल टेक बोलता है, तो विल टुक तब होता है जब ये फ्यूचर इंडेफिनिट होता। वुड पास, यहाँ पे वुड यूज हुआ है, तो देखिए वुड कहाँ पे होता है, जहाँ पे फ्यूचर इन पास्ट हो, तो यहाँ पे भी ऐसा कंडीशन नहीं है कि जो पास्ट है वो फ्यूचर में हो, ऐसा नहीं है। सी जो है विल हैव टेकन, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है कि नवंबर में ड्राइविंग टेस्ट को ले चुका होगा। विल बी टेकिंग, तो ये नवंबर में ड्राइविंग टेस्ट ले रहा होगा, ऐसा कहीं पे बोल नहीं रहा है, ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन 22 है, व्हिच ऑप्शन डिस्प्लेस द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच, कि कौन सा ऑप्शन जो है रिपोर्टेड स्पीच में करेक्ट चेंज को बता रहा है। क्वेश्चन है कि सुनीता आस्क्ड द वेंकट हाउ मच इज़ द रेंट फॉर योर फ्लैट, तो सुनीता ने वेंकट को पूछा था कि जो रेंट है फ्लैट का वो कितना है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ए आस्क्ड है ना पूछा था, वो बोला था हो जाएगा टोल्ड हो जाएगा। और देखिए यहाँ इसमें टोल्ड वाला ऑप्शन जो है डी में है, तो सुनीता टोल्ड वेंकट, और देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सुनीता टोल्ड वेंकट हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट वाज, तो इसमें सेम टू सेम लिखते हैं, और इच का क्या हो जाएगा वाज हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सुनीता टोल्ड वेंकट हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट वाज। ठीक है, ऑप्शन ए बोलता है कि सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच वाज हिज रेंट फॉर फ्लैट, है ना। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें जो सेंटेंस है इसका अरेंजमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, दूसरा ये आस्क्ड का आस्क्ड है जबकि ये टोल्ड होगा। देखिए क्वेश्चन 23 है, व्हिच ऑप्शन डिस्प्लेस द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच के लिए कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट चेंज को बता रहा है। सी सेड आई टोल्ड दमनजीत टू सेंड यू एन ईमेल 3 डेज एगो, उसने कहा था कि मैंने बोला है दमनजीत को कि तुमको 3 दिन पहले ईमेल भेज दे। ठीक है ना, तो यू जो है यहाँ पे मी हो जाएगा, और सेड सी सेड के बाद सी सेड डेट हो जाएगा, ये दो चिन्ह तो साफ दिख रहा है। और दूसरा जो है ये पास्ट इंडिफिनिट में है, तो पास्ट इंडिफिनिट का रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो 3 चेंज इसमें है, तो सबसे पहले देखते हैं सी सेट का सी सेट डेट होगा, तो देखिए सी सेट डेट किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन डी में है, तो पहला तो ऑप्शन डी से ही पता चल गया कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, क्योंकि टोल्ड नहीं होगा, इन्फॉर्म्ड नहीं होगा, और सेस नहीं होगा। दूसरा जो है यू का मी हो जाएगा, तो देखिए मी है यहाँ पे, मी है बिल्कुल। उसके बाद ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, उसका जो चेंज है वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, तो यहाँ पे हैड यूज होगा, तो देखिए यहाँ पे हैड यूज हो रहा है, तो ऑप्शन डी में सी सेड दैट सी हैड टोल्ड दमनजीत टू सेंड इन ईमेल टू मी 3 डेज बिफोर। ठीक है ना, तो ये एगो का बिफोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे इसका कन्वर्जन होता है। क्वेश्चन 24 है, द डॉग ब्लैंक अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रन अराइव्ड, जो कुत्ता जो है पहले से था चेयर के नीचे में जब बच्चे आए नहीं थे, बिफोर मैंने आए नहीं थे पहले, तो ये हैज बिन हाइडिंग, है ना। तो हैज बिन हाइडिंग, तो ये क्या हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट को बता रहा है, तो ऐसा तो नहीं ये घटना पहले हो चुका है। वाज हिड, है ना, वाज हिड भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो वाज और हिड का जो
रिलेशन वो सही नहीं है और हैव भी नहीं होगा क्योंकि हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है हिडन होता, और वाज के बाद ना हाइडिंग होता क्योंकि ये कंटिन्यूअस को बताता है। डी जो है ना हैड हिडन है ना, तो डी ही होगा इसका क्योंकि ये जो पास्ट का इवेंट है और पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, तो द डॉग हैड हिडन है ना, कुत्ता जो है छुपा हुआ था अंडर द चेयर, चेयर के अंदर में, बिफोर द चिल्ड्रन अराइव्ड, बच्चों के आने से पहले।